एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, 16 दिन बाद भी क्लर्क कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार से 35,400 रुपए बेसिक वेतन किए जाने की मांग कर रहे कर्मचारी, बड़ी संख्या में धरने पर महिला क्लर्क भी शामिल थे। हड़ताल के चलते हालांकि लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही, क्योंकि लगभग हर एक सरकारी विभाग के क्लर्क इन दिनों हड़ताल पर गए, इन दिनों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो फरीदाबाद में भी क्लर्क कर्मचारियों की 16 दिन से हड़ताल जारी है। हड़ताल के चलते सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोग परेशानी झेल रहे थे। फरीदाबाद के सभी सरकारी विभागों के लिपिक लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वेतन की मांग को लेकर बैठे हैं। आज 16वां दिन है। आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकारी विभाग हैं फरीदाबाद में, उन सबके जो लिपिक हैं वो यहां पर धरने पर बैठे हैं। 16वां दिन आज हो चुका है। क्या कुछ इनका कहना है इनसे हम जान लेते हैं, और इनसे हम जान लेते हैं, प्रधान है ये यूनियन के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ CAWS से। आज कौन सा दिन है? आज 16वां दिन है और हमें अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। क्या कुछ कोई रिजल्ट निकला है? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। लोगों के काम खराब हो रहे हैं आप लोग? तो लोगों के काम खराब है, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम तो पिछले 3 साल से ज्ञापन देते हुए आ रहे हैं। 18 जून 2023 को भी करनाल में जाके मेयर रेणुबाला को ज्ञापन दिया, उन्होंने मिलवाने का भी आश्वासन दिया CM साहब से। ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई इनको नुमाइंदा आया। आज हमारा 16वां दिन है, कोई भी बीजेपी का कोई प्रवक्ता या कोई भी नुमाइंदा हमारे पास यहाँ तक ये आश्वासन देने नहीं आया कि आपको 35,400 हम दिलवा के छोड़ेंगे। लेकिन आप कह रहे हो भाई सरकार का जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी क्यों है? आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है अगर लोगों को परेशानी हो? हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पर अब ये समझो कि जब हमारा घर का खर्चा नहीं चल रहा हम किसके पास जाएं? हम सरकार के पास ही जाएंगे ना, और ये जनता भी सरकार ही बनाती है और हम भी जनता हैं, ऐसा नहीं हम जनता से अलग हैं। इससे पहले कोई अल्टीमेटम दिया था? बिल्कुल, 18 जून 2023 को हम करनाल में जब हमने ज्ञापन दिया है तो अल्टीमेटम दे के आए थे कि 4 जुलाई 2023 तक हमारा कोई रिजल्ट निकालो, हमारा कोई 35,400 तक करवाओ, किसी नुमाइंदे से हमारी मीटिंग कराओ। किसी भी नुमाइंदे से ना मीटिंग हुई, ना 35,400 फिक्स हुआ। उसके बाद सारे कर्मचारी साथियों में रोष व्याप्त किया। उसके बाद 5 जुलाई से और आज 20 तारीख हो गई है, 16 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। 16 दिन से धरने पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। तमाम महिला कर्मचारी भी हैं जो गर्मी के इस भीषण गर्मी में भी लगातार धरने में बराबर का हिस्सा ले रही हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम जो महिलाएं हैं उनको भी परेशानी तो होती है। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति, कौन सा दिन है आज धरने का? आज धरने का 15वां 16वां दिन है। कितनी परेशानी हो रही है धरने में? धरने में क्या परेशानी, परेशानी तो हो ही रही है सबको, पर क्या करें, जब काम का पूरा वेतन नहीं मिलेगा हमें तो। और आपको चलो परेशानी नहीं हो रही, वेतन से प्रॉब्लम है, लेकिन लोग तो परेशान हो रहे हैं जो काम कराने के लिए आते हैं। तो आज हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हम अभी 5 मिनट के अंदर ऑफिस में पहुंच जाएंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा वेतन, हमारे काम का वेतन मिलना चाहिए। हम जनता को परेशान करके कुछ नहीं है, काम का वेतन नहीं, जितना काम है उस हिसाब से वेतन 19,900 है जो, हाँ उसमें काम नहीं चल रहा है। रोज की 600 रुपए में क्या काम चलेगा? एक मजदूर की इससे ज्यादा सैलरी है, एक मजदूर एक दिन में इससे ज्यादा कमाता है, तो बताइए आप। घर के खर्चे नहीं चल पाते? घर के खर्चे कैसे चलेंगे आप ही बताइए, 600 रुपए में आज टमाटर 200 रुपए किलो है। लेकिन कुछ तो आता होगा जो और लोग काम के लिए धक्के खाते हैं, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आपको। तो हम तो सोच ही रहे हैं, हमारे बारे में सोचिए, हमारी सैलरी आज बढ़ जाएगी, हम 5 मिनट के अंदर ऑफिसों में जाके बैठ जाएंगे और अपना काम संभाल लेंगे। मैं बता तो दिया, तो कहीं ना कहीं जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो तुरंत 5 मिनट में ये अपनी धरना यहाँ से समाप्त कर देंगे और लोगों के काम के लिए वहाँ जाकर बैठ जाएंगे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। लेकिन 16 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई भी निष्कर्ष इनका नहीं निकल पाया है, जिसके चलते तमाम जो लिपिक हैं वो परेशान हैं, पूरे दिन नारेबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुध सरकार की तरफ से इनकी नहीं ली गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया।